तो नमस्कार भाइयों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप एसडी कार्ड से विंडोज़ बूट कर सकते हैं या नहीं। तो अगर आपके पास एक फास्ट एसडी कार्ड है और आप विंडोज़ बूट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप ऐसे ही यूएसबी ड्राइव में जो है सो विंडोज़ इंस्टॉल तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट विंडोज़ है वो आपको करने नहीं देगा। लेकिन एक तरीका है जिससे कि आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते। पहले हम बात करते हैं इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसके बाद बताएंगे करना पॉसिबल है या नहीं, चलेगा या नहीं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको जो है सो मतलब सिंपली जो है सो सबसे पहले तो आपको एक विंडोज़ का सीडी चाहिए। आप अगर चाहिएगा कि डिजिटली जो है सो कैसे भी करके डाउनलोड कर लें और उसको इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल कर दें, तो वो काम नहीं करेगा, इंस्टॉल नहीं होगा, समझ गए। आपको कहीं ना कहीं से सीडी लाना ही पड़ेगा विंडोज़ का, उसके मदद से रूफस, उसके बाद रूफस की मदद से उस सीडी का जो है सीडी का डाटा जो है उसका आईएसओ बनाइएगा। उसके बाद उस आईएसओ को जो है सो बन क्या कहते हैं आपको इंस्टॉल करना है किसमें, एसडी कार्ड में। अब दूसरा बात आता है कि एसडी कार्ड में जब इंस्टॉल कर लिए तो फिर एसडी कार्ड में काम करेगा या नहीं। तो देखिए, एसएसडी होता है या फिर हार्ड ड्राइव होता है, वो ऑप्टिमाइज्ड होता है विंडोज़ के लिए, लेकिन हमारा एसडी कार्ड ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है। अगर एसडी कार्ड का स्पीड 500 एमबीपीएस भी है ना, और एसएसडी का 500 एमबीपीएस है, दोनों का बराबर है, फिर भी एसएसडी बेटर परफॉर्म करेगा एसडी कार्ड के मुकाबले। इसका मतलब यह है कि एसडी कार्ड पर रीड राइट स्पीड जो होता है ना, एक टाइम पे ही होता है, और दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन पैकेट्स जो है थोड़ा सा कहें तो ऑप्टिमाइज नहीं होता है उसके लिए, विंडोज़ के लिए। उसे बहुत तरीके का ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र होता है, बहुत तरीके का चीज़ होता है जो ऑप्टिमाइज नहीं होता है एसडी कार्ड को। एसडी कार्ड को सिर्फ एसडी कार्ड नॉर्मल डेटा ट्रांसफ़र के लिए बनाया जाता है, जबकि हार्ड ड्राइव या फिर एसएसडी को बनाया जाता है विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए या फिर मल्टीपल बहुत सारे वर्क करने के लिए। तो ऑप्टिमाइज़ ना हो पाने के कारण आपका जो है एक्सपीरियंस जो है एसडी कार्ड से बहुत ही घटिया मिलेगा, तो यही ट्रूथ है, आप मान लीजिए तो अच्छा होगा। फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम एसडी कार्ड पर रन करने के लिए बना है, जैसे कि बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि क्रोमबुक्स, क्रोमियम ओएस है, या फिर बहुत सारा और ओएस है, जैसे कि लिनक्स बेस्ड ज़्यादातर जो यूएसबी से रन कर जाता है, तो वो सब बेसिकली जो है सो आपका रन करेगा बिना किसी चीज़ के मदद के। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात जो है सो अगर समझ में आ गया है तो आप समझ जाइएगा कि मतलब एसडी कार्ड से रन करना जो है सो मुश्किल, लगभग बहुत मुश्किल काम है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।